बंगाली साड़ी कैसे पहनते हैं, वो भी टू टू डिफरेंट टाइप्स के पल्लू के साथ में। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तो नवरात्र आने वाली है, दुर्गा पूजा में आप इसे वेयर कर सकते हो, या फिर आप एक ही तरह की साड़ी पहनकर बोर हो गए हो तो आप इसे कैरी कर सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश और अच्छी लगती है। अगर आपको गरबा खेलने जाना है तब भी आप ये साड़ी कैरी कर सकते हो, क्योंकि इसे वेयर करना भी बहुत ज्यादा ईजी है और ये कम्फर्टेबल भी होती है और आप इसे इजीली कैरी कर सकते हो। अगर आप बिगनर्स हो तो मेरा ये वीडियो पूरा पूरा जरूर देखना। और चलो फ्रेंड्स, तो करते हैं स्टार्ट। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीख सक रहे हो तो फ्रेंड्स लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर इसे जरूर करना। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ, बेल बटन को जरूर दबाना ताकि आप मेरे जो लेटेस्ट वीडियो है आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और आप इसे देख सके और कुछ सीख सके। तो फ्रेंड्स, और हाँ, एक अच्छे कमेंट्स जरूर करना, और आपकी अगर कोई रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसे पूरे करने की कोशिश करूंगी। तो चलो करते हैं स्टार्ट। मैंने साड़ी लपेटना स्टार्ट कर दी है। जैसे हम राइट हैंड साइड से साड़ी लपेटते हैं वैसे ही हमें साड़ी लपेटना है। साड़ी कभी भी बीच से नहीं लपेटना है, साइड से ही साड़ी लपेटना स्टार्ट करना चाहिए, उससे साड़ी अच्छी आती है। देन पूरी तरह अच्छे से टक कर लेना है हमें साड़ी को, सिर्फ एक ही राउंड टक करना है हमें साड़ी को, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं उसी तरह। जैसे हम नॉर्मल साड़ी पहनते हैं तो उसमें हमें टू राउंड्स लेना होता है, एक पल्ला राउंड रहता है और एक जो स्टार्टिंग का राउंड होता है वो, लेकिन इसमें हमें सिर्फ एक ही राउंड साड़ी लपेटना है और सामने से पल्ला लेना है। अब मैं आपको फ्रंट प्लीट्स बनाना बता रही हूँ टू फिंगर्स और थंब की हेल्प से। मुझे इसी तरह प्लीट्स बनाना आता है और मुझे अच्छा भी लगता है और जल्दी से फटाफट से ऐसी प्लीट्स बन जाती है। आप भी ट्राई कर सकते हो, पर सबकी अलग अलग ट्रिक्स होती है। मैं बॉर्डर के साइज़ का ही पल्ला बना रही हूँ। अच्छे से पहले झटक लेना है, मैंने पहले पल्ला बना लिया है और बॉर्डर के साइज़ का ही मैं पल्ला बना रही हूँ। अच्छी लगती है बंगाली साड़ी उसमें। तो अब मैं वन बाय वन प्लीट्स बना रही हूँ, उनका पूरा साइज़ बराबर से ले लेना है ताकि एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो बाहर जो बॉर्डर है उससे निकल ना जाए, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो अच्छा नहीं लगता है। तो उसे अच्छे से पहले झटक झटक के हमें पल्ला बना लेना है और साइज़ डिसाइड कर लेना है। देन अब इसके बाद में मैं देख ले रही हूँ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है, तो वन बाय वन इसे यहाँ पर फिर से हमें सेट कर लेना है पल्लू प्लीट्स। अच्छे से सेट करते हैं जब हम पल्लू प्लीट्स तो तभी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप बिगनर्स हैं तो मेरा ये वीडियो पूरा देखो और आप समझ जाओगे कि जल्दी जल्दी में कि कैसे प्लीट्स बनाते हैं। और एक बात यहाँ ध्यान रखना है, मैं बंगाली साड़ी पहनना बता रही हूँ तो इसमें हमें पल्लू का जो पोर्शन है वो थोड़ा लॉन्ग ही रखना होता है ताकि जो सामने की साइड पल्ला आता है तो वो ज़्यादा आना चाहिए, इसलिए हमें थोड़ा लॉन्ग रखना होता है। तो अब मैं प्लीट्स बना रही हूँ, लेकिन और एक ट्रिक है यहाँ पे, हमें प्लीट्स जैसे हम नॉर्मली प्लीट्स बनाते वैसे नहीं बनाना है। पहले हमें पूरी तरह जो हमारी नॉवेल है उससे थोड़ा आगे लेकर हमें साड़ी टक कर लेना है। देन उसके बाद में आप देख रहे होंगे, आप वीडियो में देखो अच्छे से ध्यान से, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद में हमें सेकंड पोर्शन लेना है साड़ी का और एक के ऊपर एक ऐसे रखते जाना है और टक करते जाना है। जैसे हम नॉर्मल प्लीट्स बनाते हैं हमें यहाँ पे वैसे बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अब आप देख रहे होंगे कि जो नाभि का जो पोर्शन है उससे थोड़ा आगे ले जाकर हमें टक करना है। अब आप देख रहे होंगे इसमें ज़्यादा प्लीट्स नहीं आती, अगर आपकी लॉन्ग साड़ी है तो ज़्यादा प्लीट्स आ सकती है, लेकिन मेरी साड़ी में सिर्फ टू ही प्लीट्स आई है और प्लीट्स थोड़ी लॉन्ग होती है तो कमी आती है। देन अभी हमें ये पल्ला पोर्शन लेना है जो हमारी बस्ट है, मतलब चेस्ट के पास से जो पोर्शन है वो लेना है और हमें पिनअप करना है। एक तो आप ब्लाउज़ में भी कर सकते हो या फिर साड़ी में भी कर सकते हो, नीचे पेटीकोट में, पेटीकोट में ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने पेटीकोट में ही किया है इसे पिनअप। अब मैं इसे अच्छे से पिनअप कर ले रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि
पीछे में पिन अप करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है पिन अप करने में। देन अभी अच्छे से साड़ी की जो प्लेट्स है वो अच्छे से इक्वल कर लेना है हमें, और साड़ी ठीक कर लेना है जो भी इधर से मुड़ी हुई है या फिर आपको अनकंफर्टेबल लग रही है, तो उससे थोड़ा सा अच्छा कंफर्ट लेवल अपना ला ले और उस तरह अच्छे से सेट कर ले। अब आप देख रहे होंगे कि साड़ी कितनी अच्छी लग रही है पहनने में। देन अब पल्ले का पोर्शन लेना है हमें और उसका एक कोना निकालना है और उसे भी अच्छे से सेट कर लेना है ताकि जो बॉर्डर है वो दिखाई दे और अच्छी लगे। हम यहाँ पे चाबी का छल्ला भी लगा सकते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि चाबी का छल्ला लगा के कैसे लगता है। यहाँ पर पिनअप कर लेना है, जहाँ पर पल्ले का कोना है वहाँ पे पिनअप कर लेना है। अभी आपको मैं बता रही हूँ, चाबी का छल्ला मैंने लगा लिया है, चाबी लगा लिया एक्चुअली मैं बस छल्ला नहीं था। तो आप देख रहे होंगे कि साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब यहाँ पर पिन अप कर लेना है। अगर आपको कैरी करना थोड़ा हार्ड जाता है या फिर आप बिगनर्स हैं तो आप यहाँ पर पिन अप कर लीजिए, साड़ी बहुत अच्छे से सेट रहेंगी। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लग रही है साड़ी पहनने के बाद में। एक्चुअली जो बंगाली साड़ी होती है वो वाइट कलर की वैसे ही पहनते हैं ज़्यादातर बंगाली लोग, बट मेरे पास वो साड़ी अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए मुझे ये साड़ी का यूज़ करना पड़ा, क्योंकि इसमें बॉर्डर है और बॉर्डर वाली साड़ी ही बंगाली साड़ी में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मुझे यही साड़ी यूज़ करना पड़ा। मेरे पास वाइट साड़ी अवेलेबल नहीं थी। तो अब आप देख रहे होंगे कि साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। कोई भी ओकेज़न में इसे ट्राई कर सकते हैं, या तो आप इसे कोई दुर्गा पूजा में ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप बोर हो गए हैं एक ही एक तरह की साड़ी पहन के तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आप अगर मंदिर जा रहे हैं तब भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, तो ये हो गया फर्स्ट पल्ला। देन अभी हम मैं बताऊँगी आपको सेकंड पल्ला कैसे लेते हैं। वो जो चाबी का छल्ला लिया था मैंने जिस पल्लों पे, उसी को हमें हैंड में लपेट लेना है अच्छे से सेट करके। अब आप देख रहे होंगे ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है पहनने के बाद में, आप इसे ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये साड़ी वेयरिंग कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye.